सिंधिया परिवार को ललकारा जाता है तो सिंधिया परिवार चुप नहीं रहता। मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि आपके दिल में स्थान पाना, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीवन का लक्ष्य होगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। अरसे से लंबित केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार शाम 6 बजे हो गया। नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार में नए चेहरों को जगह दिए जाने के अटकलों के बीच पार्टी आलाकमान के बुलावे पर मध्य प्रदेश से भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाया गया था, जहां उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मोदी मंत्रिमंडल ने उन्हें केंद्रीय मंत्री चुना, जहां कल उन्होंने दिल्ली में मंत्री की शपथ ली। सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 को बॉम्बे वर्तमान में मुंबई स्थित कुर्मी मराठा परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ग्वालियर के पूर्व शासक माधवराज सिंधिया और माधवी राजे सिंधिया थी, जो एक मराठा रियासत थी। दूसरे उन्होंने शहर के कैंपियन स्कूल और दून स्कूल देहरादून से पढ़ाई की। 1993 में उन्हें हार्वर्ड कॉलेज हार्वर्ड विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर उदार कला कॉलेज से अर्थशास्त्र में BA की डिग्री के साथ स्नातक किया। 2001 में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया। 30 सितंबर 2001 को उनके पिता माधवराज सिंधिया की एक हवाई जहाज हादसे में मौत हो गई। 18 दिसंबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। उन्होंने पिता की सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। 24 फरवरी को वो करीबन ज्यादा वोटों से हासिल कर सांसद बने। उन्हें मई 2004 में फिर से चुना गया। 2007 में केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किया गया। 2009 में लगातार तीसरी बार फिर से चुना गया। उन्हें इस बार वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। वहीं 10 मार्च 2020 को उन्होंने अंतरिम पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा देकर भारतीय कांग्रेस से बाहर हो गए थे। उन्होंने साथ कांग्रेस के करीब 19 विधायकों ने भी इस्तीफे दिए, जिससे कमलनाथ सरकार गिर गई। 18 साल तक कांग्रेस के साथ वो रहे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निकाल दिया गया है। वो 11 मार्च 2020 को भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें 19/6/2020 को मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुना गया। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के एक कद्दावर नेता है। काफी अटकलों के बाद केंद्रीय सरकार में वो मंत्री बने हैं। ये ग्वालियर संभाग के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चहेते शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा से विधायक सुरेश राजखेड़ा और वर्तमान भाजपा सरकार में राज्य मंत्री हैं, जिन्हें कांग्रेस को छोड़ सिंधिया के साथ भाजपा ज्वाइन की थी। उपचुनाव में फिर से भारी मतों के साथ उन्होंने विजय हासिल की। कई दिग्गज नेता सिंधिया के खासम खास माने जाते हैं। स्थान पाना, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीवन का लक्ष्य होगा।